नमस्कार, मैं प्रकाश, टैरो कार्ड रीडर। आज आप लोगों के लिए एक अलग टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि हमारे हमारे पड़ोसी देश देश पाकिस्तान से रिलेटेड है। पाकिस्तान का एक पार्ट है बलूचिस्तान। वहाँ पे बलूचिस्तान में बलोच लोग काफ़ी समय से पाकिस्तान से अलग होने के लिए, बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए कुछ न कुछ चलते रहता है। वहाँ पे उनका एक मूवमेंट चल रहा है आज़ादी के लिए। तो क्या बलूचिस्तान को आज़ादी मिलेगी पाकिस्तान से, ये देखने के लिए ही आज मैंने ये वीडियो शुरू किया है। तो पेंडुलम डाउजिंग यूज करेंगे सबसे पहले, उसके बाद टैरो कार्ड्स। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल बटन है उसे भी दबा दें, सो दैट आपको टाइम टू टाइम मेरे वीडियोस अपलोड होने के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। और अपने कमेंट्स और सजेशंस हमेशा देते रहें। आप ही लोगों से एक सजेशन आया था, इसलिए आज ये टॉपिक मैंने चूज किया है। तो देखिए, पेंडुलम डाउजिंग से पहले देखते हैं, ये देखिए ये न्यूट्रल पोजीशन पे है अभी। तो सबसे पहले तो यही देखते हैं कि क्या बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ादी मिलेगी। ये देखिए ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, दैट मीन्स यस। आप मेरा हाथ भी देख सकते हैं, मैंने किस तरीके से पकड़ रखा है, मैं घुमा नहीं रहा हूँ। सो ये हाँ बोल रहा है। अभी वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ 2018। तो क्या नेक्स्ट 5 इयर्स में, यानी ऑलमोस्ट 2023 या 2024 तक, क्या बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ादी मिलेगी? तो ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, आंसर इज नो। तो अगला सवाल ये है कि साल 2024 से लेके साल 2030 के दरमियान क्या बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ादी मिलेगी? ये देखिए क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड दैट टू वेरी फास्ट। इसका मतलब साल 2024 से लेके साल 2030 के दरमियान बलूचिस्तान एक अलग देश होगा, उसे आज़ादी मिलेगी पाकिस्तान से। क्या बलूचिस्तान की आज़ादी में भारत का हाथ होगा? क्या भारत मदद करेगा बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजादी हासिल करने में? यस, ओके। क्या भारत के अलावा और भी कोई दूसरी कंट्रीज होंगी जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद होने में मदद करेंगी? यस, ओके। क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी बलूचिस्तान को आजाद करने में मदद करेगा पाकिस्तान से? लुक एट दिस, ओके। जिस समय बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ादी मिलेगी, उस समय भारत देश में क्या कांग्रेस की सरकार रहेगी? ओके,
ना बोल रहा ही है। तो क्या भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी जिस समय बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजादी मिलेगी? यस, ओके। सो बीजेपी की जो गवर्नमेंट रहेगी, क्या वो पूर्ण बहुमत वाली गवर्नमेंट रहेगी जब बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजादी मिलेगी? ओके। और क्या नरेंद्र मोदी होंगे उस समय प्राइम मिनिस्टर? नो, आंसर इज नो। सो ये था कुछ सवालों के जवाब। इसमें और भी कई सारे सवाल मेरे दिमाग में आए, बट उन सवालों को मैंने जानबूझ के नहीं लिया। जैसे कि अगर आज़ादी मिलेगी तो यकीनन वॉर होना ही चाहिए, तो लेकिन वो सही नहीं है। वॉर के बारे में हम बात ना करें तो सही रहेगा, बिकॉज़ नो वन वांट्स वॉर। सो मैं उस बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। अभी आगे चल के देखते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। जो पेंडुलम डाउजिंग से जिन सवालों के जवाब हमने देखे, हाँ या ना में, क्या टैरो कार्ड्स भी वही बोलते हैं? चलिए देखते हैं। हाँ, तो देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या बोलते हैं। सबसे पहले तो वही कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ादी मिलेगी क्या? यस, बिल्कुल। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स यानी कि समवन यंग, जो छोटा बच्चा। तो बलूचिस्तान को अगर आज़ादी मिलती है तो एक तरह से उसका बर्थ होगा, एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। दिस कार्ड इंडिकेट्स, ऑल्सो इंडिकेट्स बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। सो यस, सर्टनली। क्या साल 2024 और साल 2030 के दरमियान बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ादी मिलेगी? देखिए, अभी इसमें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है, तो ये जो भी हैं एक्शन वुमन है, शी इज़ ए एक्शन वुमन। सो इसका मतलब एक तो साफ है कि ये होगा, और ये किसी लेडी के इनिशिएटिव की वजह से होगा। तो अभी मैंने जैसे पूछा था कि क्या वो इंडिया के इन्वॉल्वमेंट रहेगी उसमें बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद करवाने में? यस, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। और ये एक देखिए तलवार है और ऊपर ताज है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको माउंटेन्स दिखेंगे अलग अलग। दीज आर चैलेंजेस। सो ये एक, जैसे बोलते हैं ना, एक तरह का युद्ध, एक चैलेंजेस युद्ध, इस तरह का सिचुएशन रहेगा। एंड इंडिया विल ओवरकम दोज चैलेंजेस एंड विल कम आउट एज विनर। जो कन्फ्रंटेशन रहता है ना, ये उसका कार्ड है, कन्फ्रंटेशन। सो देयर विल बी कन्फ्रंटेशन। ओके, क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद करवाने में? सर्टनली। पेज ऑफ वॉन्ट्स कार्ड, सो सर्टनली उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा।
अभी क्या बलूचिस्तान साल 2024 से लेके 2030 के बीच में पाकिस्तान से आज़ाद होगा, बलूचिस्तान को आज़ादी मिलेगी? एक और कार्ड निकाल लिया हमने, यस किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन। ये कार्ड था कि आज़ाद हुआ क्या, ये साल 2024 से 2030 के बीच में आज़ादी मिलेगी कि नहीं। सो दीज आर परफेक्ट कार्ड्स। सो ये छोटे रीडिंग से साफ साफ मालूम पड़ता है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ादी मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। सो जो भी बलोच लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए ये खुशखबर है कि भैया अभी आज़ादी के दिन करीब हैं, तो वो टेंशन ना लें। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं।